नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इनायतपुर में हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर नीचे आ गई, जिसकी चपेट में आकर खेत में काम कर रहा युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंचे परिजनों समेत ग्रामीणों ने जैसे तैसे उसे करंट की चपेट से छुड़वाया और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने त्वरित उपचार कर उसकी जान बचाई। ग्राम इनायतपुर निवासी 17 वर्षीय अंकित रविवार की सुबह अपने खेत में मक्का की बुआई कर रहा था। इस दौरान खेत के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन अचानक टूट कर नीचे आ गिरी, जिसकी चपेट में आकर अंकित गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी और लाइन बंद कराई। इसी बीच मौके पर पहुंचे ग्रामीणों समेत परिजनों ने अंकित को करंट से मुक्त कराया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ सीबू सैनी की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? निखिल मिश्रा। कहाँ से आए हैं? क्या पूरा मामला है? सर, हमारे नाना जी हैं, रात में अपने घर पे लेटे थे तो उनसे जो है पुरानी रंजिश के चलते तो उन्हें रात में मतलब दो चार दिन से प्लान बना रहे थे, तो रात में जो है पता लगा कि मतलब प्लान बना रहे दो चार दिन से रात में जो है घर में घुस गए जाके और अकेले लेटे थे, जहाँ वो अकेले लेट रही जानवरों के पास पूरी रात में बता रहे हैं। 12 बजे से बंद करके सुबह 5 बजे तक उन्हें मारते रहे, बहुत घायल कर दिया राजू का सीरियस हालत। क्या कोई पुरानी कोई रंजिश थी क्या? हाँ, रंजिश है। किस बात को लेकर? कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, लड़ाई हो गई थी पहले तो उस पर जो है मुकदमा चल रहा है, उसी रंजिश खाकर जो है काम किया। क्या नाम है उनका? महेश चंद्र दुबे। उम्र कितनी होगी? 42 साल। आपके कौन है वो? नाना। आपका नाम क्या है? निखिल मिश्रा। कहाँ से आए हैं? विशुनगढ़ से। इससे पहले भी क्या लेके गए थे आप उनको? हाँ, वहाँ से फिर पहले लगे थे सौसैया छिब्रम, वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ के लिए। अब यहाँ भी बता रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, फिर वहाँ मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं। आपका? वो भी। कैसे, क्या हुआ, कैसे चल रही है? ये लोग खेत में काम कर रहे थे, मकई बुल रहे थे, तो उनके ऊपर 11,000 की लाइन टूट के गिर गई, वो जल गए। तुरंत लाइन कटी, हम लोगों ने खींच लिया, फिर दोबारा से लाइट आई तब हम लोगों ने खींच लिया था इनको। कैसे जानकारी मिली थी आपको? हमको एक फ़ोन किया था एक दूसरे लड़के, इनके साथ में लड़के थे 5-6, उन्होंने फ़ोन किया। वैसे में गाँव के पास थी नहीं, खेत में ही थे। कौन है आपकी? भैया है हमारे। क्या नाम है इनका? अंकित। उम्र क्या होगी? उम्र 17 साल होगी उनसे। आपका नाम क्या? वो भी। मामला ये कहाँ का है? इनायतपुर गाँव का। थाना कौन सा? थाना कन्नौज। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।